ये खबर अपराध से जुड़ी हुई है। छतरपुर में 65 साल के बुजुर्ग की खेत पर सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है आरोपी युवक नशे का आदी है और उसने विवाद के चलते बुजुर्ग की हत्या की और फरार हो गया। कोतवाली थाना के ग्राम काटी में मृत सियाराम रजक की गांव के ही युवक शंकर रजक ने देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया आरोपी शंकर रजक गांजे के नशे का आदी है। आरोपी ने बीती शाम बुजुर्ग के घर के बाहर गाली गलौज की थी और उसने परिवार के लोगों को धमकियां भी दी थी। रात 3 बजे के लगभग आरोपी खेत पर गया और सोए हुए सियाराम रजक को कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। विवाद इनकी रात आओ तो सुगारी गलोच करत रही हुए भगा दोगे, फिर है सो बोलो बोलो तुम सवेरे देख लइयो, बस इतना कह के उन्हें कर दो दिखा दो। कौन था? अब शंकर नाम बता रहे। अब विवाद साहब पता नहीं, हम आज दे जान में तो पहले मानो ऐसे कात रात के मुँह मार्डर करने। कांटी गाँव के कालीचरण रजक ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट की है कि उसके पिताजी सियाराम रजक को गांव के ही शंकर रजक ने रात को गोली मारकर हत्या कर दी है। इनके बीच में क्या विवाद हुआ, किस कारण से हुई, ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।